पीछे से ध्यान से ध्यान से एक लोकल सन ऑफ सॉयल ने इनिशिएटिव लिया था आफ्टर 2018 और आज ये दिन आ गया कि हम लोग अपनी सप्लाई चेन को जो है वो फ्लैग ऑफ करवा रहे हैं। रोज साहब के आते हमारे जितने भी पंप्स आ चुके हैं मार्केट में उन तक सप्लाई पहुंचेगी। जनता से नौजवानों से यही कहूंगा, हैव फेथ इन अस, सपोर्ट अस, हमारे प्रोडक्ट को यूज कीजिए बिकॉज इट्स ए विन विन सिचुएशन। यू हैव ए फिक्स्ड आउटलेट जो हमारे कंपनी के नाम से ऑपरेट होंगे बाय द नेम क्लीन डॉट ग्रीन फ्यूल्स। तो अराउंड 10-15 पंप्स आर इन पाइपलाइन। तीन का जो है अभी इनॉग्रेशन वी आर होपफुल के इस मंथ में हो जाए। जल गाड़ियां जितनी भी हैं वो बिल्कुल कंड्यूसिव हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आज बायोडीजल का ये हमारे भाई साहब जो आरडी यहां पर इस पर काफी देर से काम कर रहे थे कि बायोडीजल के जम्मू कश्मीर में पंप लगे, क्योंकि एक तो महंगाई से भी लोगों को राहत मिलेगी, तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है 2018 से कि सोलर एनर्जी और बायोडीजल पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि हम लोग जो अदर कंट्री पे डिपेंड हैं, आज कितनी सब्सिडी हमें देनी पड़ती है क्रूड ऑयल लाने में, तो क्रूड ऑयल से भी निजात पहुंचे और ये बायोडीजल जो है ये घर घर पहुंचे और इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और पेट्रोल पंप लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, खास करके इन लोगों को मुबारक है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमारे जम्मू में भी ये बायोडीजल के पंप लगा रहे हैं। उसी की चेन है कि आज इन्होंने पहला टैंक जो है टैंकर जो है वो लॉन्च किया है ताकि ये सप्लाई दे सके।